घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्वज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव गांव घर घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सब पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया था कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। जिस तरह कबीर साहिब जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह के पाखंड को धाराशाही किया, ठीक हूबहू संत रामपाल जी महाराज में भी वो ही झलक देखने को मिलती है। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म गुरुओं की इन कमजोर नसों पर हाथ रखा जो इन धर्म के धार्मिक लोगों के लिए नासूर बनी हुई थी। संत रामपाल जी ने कहा कि धर्म कोई गलत नहीं, गलत वो है जो अपने धर्म और धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझ नहीं पाए। यही भाषा कबीर साहिब जी की भी थी। उन्होंने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। धार्मिक ग्रंथों को न समझ पाने का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा और स्वार्थ में अंधे धर्म गुरु लगातार अज्ञान को फैलाते रहे। ऐसे में जगत गुरु के तौर पर आशा की किरण बने संत रामपाल जी महाराज जी ने धर्म गुरुओं द्वारा लिखित उनकी किताबों को वेदों और गीता से तुलना करके सब समाज के सामने रखा तो सब स्तब्ध थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य व्यक्तित्व की यात्रा पर जो है संत रामपाल जी महाराज। लाखों लोग उन्हें कबीर साहिब का अवतार मानते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सच्ची भक्ति के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है। हमारे साथ बने रहे क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज 2032 तक सत्य और आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना के अपने दिव्य मिशन पर अग्रसर है।
संत रामपाल जी महाराज, जिनका जन्म 1951 में भारत में स्थित हरियाणा में एक छोटे से गांव धनाना में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने अपने प्रारंभिक वर्षों से ही एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू कर दिया था। कबीर साहिब जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मार्ग अपनाया जो न केवल उनके जीवन को बदलने वाला था बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी एक क्रांति लाने वाला था। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जिसमें छोटे आरोप और कैद भी शामिल थी, उन्हें देखकर भी संत रामपाल जी महाराज कभी अपने मिशन से नहीं डिगे। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है, हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जाए। ऐसा ही कुछ कबीर जी ने धर्मदास को भी कहा था। उन्होंने कहा था कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, ऐसे संत महंतन की करणी, धर्मदास मैं तोसे वर्णी। कबीर जी ने धर्मदास जी को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जन जन तक सत ज्ञान पहुंचाने वाले मेरे प्रिय संत के साथ ये नकली धर्मगुरु वाद विवाद करेंगे, लेकिन वो संत निरंतर अपने तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने इन परीक्षाओं को उसी विनम्रता और शक्ति के साथ सहा जैसे कि कबीर साहिब जी ने एक समय किया था, जिससे उनकी दिव्यता और भी स्पष्ट हो गई थी। कबीर साहिब जी को भी उस समय शासन कर रहे लोगों ने उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला था, बेल बांधकर समुद्र में ढकेला था, खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके बाद भी कबीर साहिब जी ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जैसे कबीर साहिब जी पूरे मानव समाज के हित की बात करते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज भी आज समाज हित की बात करते हैं, लेकिन कबीर साहिब जी की तरह ही अपने अज्ञानवश लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे। ये संघर्ष केवल उनकी सहन शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हर सच्चे आध्यात्मिक लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रतिबिंब थे। संत रामपाल जी महाराज की इन कठिनाइयों के बावजूद अडिग रहने की शक्ति ने उनके अनुयायियों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया, जो उन्हें कबीर साहिब जी का जीवित अवतार मानते हैं। कबीर साहिब जी अपनी शिक्षाओं के लिए पूज्य हैं, जिनमें उन्होंने सच्चे परमात्मा की भक्ति, शक्ति और प्रेम की बातें कही थी। कबीर साहिब जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक बार फिर मानवता को मार्गदर्शन देने के लिए वापस आएंगे, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मानते हैं कि ये भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पूरी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं कबीर साहिब जी के ज्ञान से मेल खाती है। उन्होंने शास्त्रों का सही अर्थ समझाया है, भक्तों को सच्चा मोक्ष मार्ग दिखाया है। उनके अनुयायी पूर्ण दृढ़ता से ये विश्वास करते हैं कि वे कबीर साहिब जी का अवतार हैं, जो मानवता को सही दिशा में ले जाने के लिए आए हैं। लाखों भक्त ये गवाही देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के माध्यम से उन्हें अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, उनके जीवन में शांति आई है और उन्हें वास्तविक मोक्ष मार्ग मिला है। कबीर साहिब की शिक्षाओं से उनका ये विश्वास और भी मजबूत होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वास्तव में कबीर साहिब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अपने आप में एक क्रांति है। 2032 तक वो पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, एक धर्म जो कबीर साहिब जी की भक्ति पर आधारित है। यह केवल धार्मिक पुनरुत्थान नहीं
बल्कि शांति, सत्य और एकता की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है और वो रोड मैप है ज्ञान गंगा, जिसमें सभी पवित्र धर्म ग्रंथों का सार है। केवल इस रोड मैप के जरिए मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित इस पुस्तक ने लाखों लोगों का जीवन बदला है और उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने उनसे नाम दीक्षा ली है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने मेरे जीवन की राह बहुत आसान कर दी है। आध्यात्मिक मार्ग के जिन सवालों का जवाब कोई धर्म नहीं दे पाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने दिया। ये संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान और विचारों का ही परिणाम है कि धार्मिक पाखंडवाद जड़ से खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि करोड़ों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, उनमें से एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति के फर्क को खत्म किया है। उनके आश्रम में हर आदमी अपने आप को श्री मानव सोचता है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान और विचारों से लाखों पिताओं के कंधे पर रखे दहेज रूपी बोझ को एक पल में उतार दिया। कोटि कोटि नमन ऐसे संत को। संत रामपाल जी महाराज के विचार और अद्भुत ज्ञान का ही परिणाम है कि आज धार्मिक पाखंडवाद जड़ से खत्म हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा अनमोल ज्ञान दिया जिससे करोड़ों लोगों का नशा छूट गया है, उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मैं खुद भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जाति पाति के फर्क को खत्म किया है। हर जाति का आदमी उनके आश्रम में अपने आप को सिर्फ मानव समझता है। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने मेरे जीवन की राह आसान कर दी। आध्यात्मिक मार्ग के जिन सवाल का कोई जवाब कोई धर्म नहीं दे पाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज कहते, समय आ गया है कि दुनिया सच्चे मार्ग को पहचाने। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थिर स्थापना हो जाएगी, जिससे एक नए युग की आध्यात्मिक जागृति और वैश्विक भाईचारे की शुरुआत होगी। उनके शब्द एक बेहतरीन भविष्य के लिए दिव्य आश्वासन की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन आशा, साहस और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उनका ये मिशन हर उस आत्मा के लिए एक आवाहन है जो सत्य और मोक्ष की तलाश में है। इस आध्यात्मिक क्रांति में हमारे साथ जुड़े और आइए हम सभी एक साथ चलें उस मार्ग पर जो हमें जीवित कबीर साहिब जी अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। दर्शकों, सत्य सनातन धर्म 2032 तक कैसे प्रतिष्ठित होगा, ये जानने के लिए देखिए कंप्लीट सीरीज सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। ये सीरीज संपूर्ण रूप से संत रामपाल जी महाराज के विचारों पर आधारित है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सत्साहित